हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम भारतीय पैमाना एवं अंतर्राष्ट्रीय पैमाना के बारे में बता रहे हैं। देखिए, पूरा बेसिक से जानकारी दे रहे हैं। हम इकाई को क्या लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। जैसे इकाई को एक लिखा गया तो वहाँ वन लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय में। हम 10 को 10 लिखते हैं, यानी 10 डे का, तो हम इसको दहाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दहाई। हमने 10 को दहाई लिखा और 100 को हम हेक्टो में लिख सकते हैं, यानी 100 में। जैसे हमने दहाई में 10 लिखा, सैकड़े में 100 लिखा, तो 100 को हम 10^2 लिख सकते हैं। अब हजार में हमारे पास 3 शून्य है, तो 10^3 लिख सकते हैं। 10,000 में हमारे पास 10^4 शून्य है, तो 10^4 लिख सकते हैं। लाख को हम 10^5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 शून्य है। इसी प्रकार से हम 10 लाख में हमारे पास 6 शून्य है, तो जब 6 शून्य है तो हम इसको 10^6 लिखते हैं। इसी तरीके से हमने लिखा है, देखिए इकाई है 10 है, 10 को डेका पढ़ते हैं, 100 को हेक्टो पढ़ते हैं, यानी 10^2 को हेक्टो, 100 को हेक्टो, 10^3 को हज़ार पढ़ते हैं, 10^4 को 10,000 पढ़ते हैं, और 10^5 को लाख पढ़ते हैं, 10^6 को 10 लाख पढ़ते हैं, 10^7 को करोड़ पढ़ते हैं, 10^8 को 10 करोड़ पढ़ते हैं, 10^9 को अरब पढ़ते हैं, 10^10 को 10 अरब पढ़ते हैं, 10^11 को खरब पढ़ते हैं, 10^12 को 10 अरब पढ़ते हैं। अब देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय पैमाने में हम इनको क्या पढ़ते हैं? एक को वन पढ़ते हैं और इनको 10 पढ़ते हैं। 10 को 10 पढ़ते हैं और 100 को हम क्या पढ़ते हैं? 100 पढ़ते हैं। 100 को हम क्या पढ़ते हैं? 100। 100 को हम 100 पढ़ते हैं और 1000 को हम क्या पढ़ते हैं? 1000 पढ़ते हैं। 1000 को हम क्या पढ़ते हैं? 1000 पढ़ते हैं। 1000 को हम 1000 पढ़ते हैं। लाख 10,000 को 10,000 पढ़ते हैं, यानी 10,000 को 10,000 पढ़ते हैं। और लाख को हम लाख पढ़ते हैं, यानी लाख, फिर इसको 10 लाख पढ़ते हैं, 10 लाख पढ़ते हैं, 10 लाख को, फिर इसको करोड़ पढ़ते हैं, करोड़, फिर इसको 10 करोड़ पढ़ते हैं, 10^8 को 10 करोड़ पढ़ते हैं। हम इसको फिर आगे, अब यहीं से समाप्त होता है, अरब पढ़ते हैं। लेकिन अब यहीं से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पैमाने में हम 1 को 1 पढ़ते हैं, 10 को 10 पढ़ते हैं, 100 को 100 पढ़ते हैं। अभी से हमारा पैमाना स्टार्ट होता है। इनको 1000 को 1000 पढ़ते हैं। तो अब देखिए, संकेतिक भाषा में 1000 को के से हम प्रदर्शित करते हैं। अब इनको 1 से प्रदर्शित करते हैं, ओ से, इनको टी से प्रदर्शित करते हैं, इनको एच से प्रदर्शित करते हैं। 1000 को हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? के से। 10,000 को हम 10K लिखते हैं। अब लाख, लाख हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाना में ना लिख करके 100K लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100K, यानी 100K हो गया। और 10 लाख को हम क्या लिखते हैं? 10 लाख को हम मिलियन लिखते हैं। 10 लाख को हम क्या लिखते हैं? 10 लाख को मिलियन। क्या लिखते हैं? मिलियन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? 10 मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया। फिर 10 मिलियन को हम क्या कहते हैं? जैसे लाख को हमने 100K लिखा, 10 लाख को हम मिलियन लिखते हैं, करोड़ को 10 मिलियन लिखते हैं, 10 करोड़ को हम 100 मिलियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100 मिलियन लिखते हैं। अरब को, अब हम अरब को क्या लिखते हैं?
सौ मिलियन के बाद बिलियन आता है, सौ अरब के बाद क्या आता है, बिलियन आता है, सौ मिलियन के बाद बिलियन आता है। बिलियन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी एक बी लिखते हैं, और हम फिर उसके बाद दस अरब को दस बिलियन लिखते हैं, और खरब को हम हंड्रेड बिलियन लिखते हैं, खरब को हम क्या लिखते हैं, हंड्रेड बिलियन लिखते हैं। फिर उसके बाद अरब, दस अरब को हम क्या लिखते हैं, ट्रिलियन लिखते हैं, ट्रिलियन, ट्रिलियन को टी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से हम प्रदर्शित करते चले जाते हैं। अब देखिए हम कुछ संकेत बता रहे हैं जो आपको, तो दस को हम डेका कहते हैं, सौ को हम हेक्टो कहते हैं। देखिए यहाँ से टी है, टेन है तो हम इसको डेका बोलते हैं, एच है हंड्रेड को तो हम इसको हेक्टो बोलते हैं, और हज़ार को हम के बोलते हैं, एक हज़ार को हम के बोलते हैं। तो जो मोबाइल में आपके सब्सक्राइबर होते हैं, एक हज़ार हो गए तो के लिखना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद सब्सक्राइबर या और व्यू इसी में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में चलता है, फिर टेन के हो गया, फिर हंड्रेड के हो गया, फिर उसके बाद एम लिखता है, मिलियन लिखता है, तो मिलियन के बाद टेन मिलियन लिखता है, फिर उसके बाद कौन कितना लिखता है, हंड्रेड मिलियन लिखता है, फिर उसके बाद बिलियन लिखता है, बिलियन को बी लिखता है, तो फिर बिलियन के बाद आगे टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, ट्रिलियन लिखता है। तो हम दस की पावर छः यानी मिलियन को हम मेगा के नाम से बोलते हैं, मिलियन को क्या कहते हैं, मेगा, और मिलियन को जब हम मेगा कहते हैं, और बिलियन को हम जीगा कहते हैं, बिलियन को क्या कहते हैं, जीगा कहते हैं, और ट्रिलियन को हम टेरा कहते हैं, ट्रिलियन को हम क्या कहते हैं, टेरा, ट्रिलियन को हम टेरा कहते हैं, और पेटा, उसके बाद ट्रिलियन के आगे जो आता है वो पेटा में आता है। इस तरीके से हम संकेत पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो संकेत के ऊपर थी, जो आपके व्यू जाते हैं, के में जाते हैं, एम में जाते हैं, बी में जाते हैं, टी में जाते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करता है। तो ये भारतीय पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय पैमाना और संकेत आपको बताया गया है, बेसिक जानकारी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।